हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीटी प्लस बी के जितने भी रिजल्ट्स बचे हुए हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, और पीआरटी की ज्वाइनिंग के बारे में, ऑफलाइन वेरिफिकेशन और साथ ही मेडिकल के बारे में। और इसी तरह की बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि नोटिफिकेशंस जो है नए वीडियोज़ के अपलोड्स के आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमेनिंग रिजल्ट्स के, चाहे फिर वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी कोई भी क्यों न हो। ये रिज़ल्ट आपके इस मंथ लास्ट तक आ जाने चाहिए, यही संभावना है। पीआरटी ज्वाइनिंग आपकी जुलाई में हो जानी चाहिए, हो जाएगी। और ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए अभी फ्राइडे को विजेंद्र गुप्ता जी से कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने बात की है और उन्होंने बताया, बात की और बताया कि इस वीक, यानी कि इस वीक तो आ जाने चाहिए। ये जो डी ट्रिपल एस बी है वो एमसीडी को आपकी जो ईडोजियर है वो सौंप देगी और फिर आपका जो प्रोसेस है ऑफलाइन वेरिफिकेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा। और मेडिकल के लिए भी आपकी जो एक डॉक्टर्स होते हैं या एक सिलेक्शन होता है, जो उनका सिलेक्शन हो गया है, मतलब कर दिया गया है और वो सिलेक्टेड हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को कंसल्ट कर दिया गया है, बता दिया गया है कि इनको ही, इस स्लॉट को ही मेडिकल लेना है, तो जल्दी ही फिर आपकी मेडिकल की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। और यही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई में फर्स्ट वीक में या एंड तक, जुलाई एंड तक सभी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यही इन्फॉर्मेशन थी कि अब अपना जो आपकी टेंशन है, जो इंतज़ार है, वो ख़त्म होने वाला है। जल्दी ही आपके लेटर, ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट भी आएगा और अपने मेल भी चेक करते रहें कि डीटर क्लास भी मेल भी कर सकता है, यानी कि इस हफ्ते में वो एमसीडी को सौंपेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको मेल भी कर दिया जाएगा और वेन्यू टाइम आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं। और उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो फिर मेडिकल और ज्वाइनिंग भी आपके साथ ही साथ हो जाएगी। बात रही पुलिस वेरिफिकेशन की, तो वो हो सकता है पहले हो जाए या ज्वाइनिंग के बाद भी हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। यही इन्फॉर्मेशन थी। एक मेडिकल से रिलेटेड अलग से भी वीडियो हम बनाएंगे जैसे ही टाइम लगता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है जो मेडिकल के टाइम पे आपको चाहिए, और ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके लिए हमने एक वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कितने सेट चाहिए, NOC चाहिए, NCL क्या है चाहिए या एफिडेविट कब चाहिए। ठीक है, तो यही अपडेट थी। थैंक यू सो मच and good luck।